हेलो एंड वेलकम टू विजया भारतीज किचन फ्रेंड्स। आज मेरे किचन में आप देख रहे हैं मैंने बनाए हैं रोज़ गुलकंद पेड़े, जो दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं खाने में उतने ही स्वादिष्ट हैं। रोज़ गुलकंद पेड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप मिल्क, 2 टेबलस्पून गुलकंद, 1/4 टीस्पून या फ्यू ड्रॉप्स रोज एसेंस, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर एंड 3 टेबलस्पून्स शुगर। अब सबसे पहले पैन में मैं 1 कप मिल्क ऐड करूंगी, 1 टेबलस्पून प्योर घी, इंग्रेडिएंट्स में मैं भूल गई घी बताने, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसमें मैं अब मिल्क पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और इसको लंप फ्री होने तक पहले मैं ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए अब ये लगभग मोस्टली लंप फ्री हो गया है। अब मैं गैस ऑन करके लो फ्लेम पर इसको कुक करती हूँ। जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा वैसे वैसे ये थिक होता जाएगा। हम इसको कंटिन्यूअस स्टर करते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे जलने के चांसेस होते हैं। अब मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ एंड शुगर आल्सो और इसको कंटिन्यूअस हम स्टर करते रहेंगे लो फ्लेम पर ही। अब ये थिक हो रहा है थोड़ा। बॉईल भी आ रहा है इसमें। मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कुक कर रही हूं जब तक ये ड्राई हो जाए। ये देखिए कितना थिक हो गया है। अब मैं इसमें गुलकंद ऐड कर रही हूं, जैसे गुलकंद भी पूरा इसमें मिक्स हो जाए। और इसको पूरा मैं मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। बहुत अच्छी गुलकंद की खुशबू आ रही है, कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो गया है, मधुर मधुर खुशबू आ रही है बहुत। ये देखिए ये काफी थिक हो गया है। अब इसमें मैं रोज एसेंस भी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर और कुक करूंगी जब तक ये पैन बिल्कुल पैन का साइड्स छोड़ देगा। काफी हद तक ये कुक हो गया है, थिक भी हो गया है, लेकिन अब तक ये पैन नहीं छोड़ रहा है।
देखिए अभी ये बिल्कुल अच्छी तरह से थिक हो गया है, लेकिन इसको और थिक होना है। पैन पूरा कंप्लीटली अच्छी तरह से छोड़ना चाहिए इसको। ये देखिए अब ये थिक हो गया है, अब इसमें बबल्स भी आ रहे हैं। बबल्स आए मतलब अब ये पूरी तरह से कुक हो गया है और पैन भी गर्म है तो इसको वो हीट भी मिलती रहेगी। अब मैं गैस बंद करती हूँ और इसको पैन में ही थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब ये मिक्सचर ठंडा हो गया है, मैं हाथ में थोड़ा प्योर घी लगाया मैंने और थोड़ा मैं ये लेके और इसका बॉल बनाती हूँ। पेड़े के जैसा बना रही हूँ मैं इसको। और अब ये हो गया, इसको मैं रखती हूँ एक प्लेट में। और इसके ऊपर जो ये विस्कर है उससे डिजाइन बनाती हूँ। और एक पिस्ता से गार्निश करती हूँ। ये देखिए तैयार हो गए हमारे रोज गुलकंद पेड़े विदाउट मिल्कमेड विदाउट मिल्क।